दोस्तों थाईलैंड जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी वहां पर प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन साथ ही वहां पर एक स्टेट ऑफ हेड भी है, यानी थाईलैंड का राजा। अब थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकशिन, जिनको साल 2001 में पहली बार थाईलैंड की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन आगे चलकर थाकशिन के ऊपर करप्शन और पावर का गलत इस्तेमाल करने के कई आरोप लगे, जिसका हर समय थाकशिन विरोध भी करते आए हैं। लेकिन साल 2006 में थाईलैंड की मिलिट्री ने तख्ता पलटकर थाकशिन को सत्ता से ही हटा दिया, जिसके बाद अगले 15 सालों तक इन्हें अपने ही देश से बाहर रहना पड़ा। अब बाहर रहते हुए भी ये अपनी जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे, और अब 22 अगस्त 2023 को जब ये एक बार फिर से दोबारा थाईलैंड पहुंचे, तो इनके कई समर्थकों ने इनका स्वागत किया। लेकिन थाईलैंड पहुंचते ही इन्हें 8 सालों की जेल की सजा सुना दी गई, जिसके बाद फिलहाल थाईलैंड के राजा ने इनकी सजा को घटाकर 1 साल कर दिया।